वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और देखो, अगर कोई मेरे साथ अभी तक कभी भी एक सेशन वर्कआउट भी किया है ना, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट वर्कआउट है, वो है सपाटे, और इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं बर्पीज। तो बर्पीज मारना एक्चुअली आसान तो नहीं है, ठीक है? तो बर्पीज मारना थोड़ा बहुत टफ है। तो आज मैं 3-4 स्टेप में ईजी वे में आपको बर्पीज सिखाने वाला हूँ। ऐसे बर्पीज मारोगे, इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल बर्पीज भी दिखाऊंगा, तो वो कार्डियो में बेस्ट। अगर घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो बर्पीज मार दो, मतलब 60-70 आपका वर्कआउट आधा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वार्म अप करना है ये कर लो, कार्डियो करना है ये कर लो, मतलब ये क्या बोलते उसको, बर्पीज। मैं बर्पीज नहीं मारता, मैं हाफ बर्पीज मारता हूँ, जिसको सपाटे बोलते हैं, वो क्या बोलते उसको, कुश्ती का वर्कआउट है। लेकिन हम लोग कुश्ती हो या कुछ भी हो, हम लोग वर्कआउट से मतलब है, स्ट्रेंथ गेन से लेके कार्डियो तक सब होता है। तो सीधा मैं छत पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको बर्पीज मारना है और आपको सिखाता हूँ आज बर्पीज। चलो चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने छत पे और अभी आपको सिखाने वाला हूँ कैसे एक्चुअली बर्पीस मारना है। उसके लिए हम लोग 3 स्टेप फॉलो करने की कोशिश करेंगे और 4th स्टेप में सीधा बर्पीस मारेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको पहले दिन करना चाहिए वो है अपना बॉडी स्टैंड ठीक करिए, ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना है, अपने बाद नीचे जाना है और बस इतना करना है। ये वाला हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ये वाला जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि कर सकते हो, आसान हो गया या ओके ओके ठीक है कर सकते हैं, हम लोग खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद अपने चलना है 2nd स्टेप पे। इसके बाद हम लोग करना है 2nd स्टेप। तो वो क्या करना था, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पुशअप पोजीशन में जा रहे थे, बस इतना जंप कर रहे थे, राइट, इतना कर रहे थे। अभी क्या करना है, जंप के बाद दूसरा जंप भी करना है। क्या करना है, पुशअप पोजीशन में जाके जंप स्ट्रेट जंप, वापस से पुशअप पोजीशन जंप स्ट्रेट जंप। ये हो गया आपका 2nd स्टेप। और ये वाला स्टेप जो है ना वो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि ये वाला जो वर्कआउट है अगर ये आप सीख गए ना तो आपको फैट लॉस करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको 10-12 वर्कआउट नहीं करना है। ये अगर आप कर लोगे दिन का 25-30-40 जितना हो सके, आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी गेन होगा, आपका स्टेमिना है वो भी गेन होगा और आपका फैट तो ऐसा छुमंतर हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे 3rd और फाइनल स्टेप ऑफ क्या बोलते इसका बर्पीस। और अभी करना है फाइनल स्टेप ऑफ बर्पीस। इसके बाद मैं थोड़ा एडवांस लेवल भी बर्पीस दिखाऊंगा, जो मैं सपाटे बोलता हूँ उसको थोड़ा एडवांस लेवल भी दिखाऊंगा। एनीवे, तो अभी भी दिखाता हूँ आपको लास्ट स्टेप क्या करना है। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, पुशअप पोज़ में जा रहे थे, बस जंप कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, जंप कर रहे थे। अभी क्या करना है, पुशअप पोज़ में जाना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, 1, 2, 3 जंप, 1, 2, 3 जंप। मतलब ये वाला स्टेप में आपको नीचे जाने के बाद एक पुशअप मारना है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पुशअप आता है, तो मैं आपको पुशअप कैसे मारते हैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, तो वापस दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू होगा स्ट्रेच करके, 1, stretch, jump, go up, stretch, वापस। अभी मैं बर्पीस कैसे एक्चुअली मारते हैं और फास्ट फॉरवर्ड या नॉर्मल पोजीशन में कैसे मारते हैं विदाउट स्टेप काउंटिंग, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये हो गया एक्चुअली बर्पीज ऐसे मारते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सपाटे, जो कुश्ती में यूज होता है और कुश्ती जो करते हैं उनके लिए ये होता है कि ब्रह्मास्त्र जैसा वर्कआउट है, क्योंकि फुल बॉडी वर्कआउट भी होता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, स्टेमिना भी बढ़ता है। मैं जितना भी आज तक वर्कआउट किया हूँ ये वाला वर्कआउट हमेशा मेरा शेड्यूल में रहा है। मैं बल्किंग किया, कटिंग किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला वर्कआउट हमेशा मेरे शेड्यूल में रहा है। तो क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, लेकिन इसमें जंप नहीं करना, गए बस वापस, गए वापस जंप।
ये वाला टफ इसलिए है क्योंकि ये वाला हम लोगों को फास्ट करना होता है। जितना फास्ट होगा हम लोगों का फैट बर्न इतना जल्दी होगा, स्ट्रेंथ दिन में बहुत सही होगा। अभी मैं अभी बर्पीज का थोड़ा एडवांस लेवल या ये सपाटे का थोड़ा एडवांस लेवल में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको बर्पीज नॉर्मली आता है तभी ये ट्राई करना, नहीं तो ट्राई मत करना। पहले बर्पीज सीख लो इसके बाद ये ट्राई करो। क्या करना है अभी ये वाला दूसरा थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो क्या करना है ये हो गया नंबर टू। अभी नंबर थ्री, अभी हम लोग क्या कहते थे जो पैर है वो पीछे टच किए थे, ट्राई करना है सामने जाकर पैर टच करना। वो अभी शायद मेरे से भी ना हो पाए क्योंकि बहुत दिन बाद मैं कर रहा हूँ। ये वाला अभी जो एडवांस लेवल है वो अभी पहले करता था, अभी मैं ज़रूरत नहीं पड़ता मेरे को तो मैं नहीं करता हूँ, ज़्यादा सपाटा ही करता हूँ। तो फिर भी आपके लिए ट्राई करता हूँ। अगर आप सपाटे कर रहे हो तो ये वाला वर्कआउट बहुत अच्छा है, लेकिन इंजरी होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ध्यान से करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो ईट ले लीजिए। ईट लेने के बाद वापस सेम चीज करना है, बस इतना डिफरेंस है आप पहले आप खाली हाथ से कर रहे थे अभी ईट पे करना है। तो क्या करना है वही बात है, इसमें जाना है तो आई होप आपको सपाटे आ गया होगा। मैं अभी हाफ रहा हूँ इसलिए क्योंकि कोई वार्म अप नहीं कुछ, मैं सीधा सपाटे मार रहा हूँ। भाई ये वर्कआउट है वार्म अप वाला वर्कआउट नहीं है, आप पहले स्ट्रेचिंग करने के बाद ये आप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ और सबको बोलो कि सपाटे ज़रूर मारे। और भाई बर्पीज मारा करो यार, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टेमिना बहुत बढ़ता है। और मेरे पीछे का लोकेशन देखो कितना सही है कि नहीं। तो लेकिन गर्मी बहुत है यार। एनीवे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम मस्त खाओ फिट रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।